वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि कल 4 अक्टूबर को यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम का वो हुआ था, आज आपके लिए मैं इसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। दोनों पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगा और सबसे पहले जो जर्नल स्टडी पेपर 1 है उसके बारे में बात करेंगे। ये मेरे पास कोर्स ही है, तो चलिए इसका शुरू करते हैं। तो जो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं है, पहले कह रहा हूँ। विद माई बेस्ट नॉलेज आई हैव ट्राई टू गिव देयर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन द एग्रीकल्चर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी, ऑप्शन 2, 3 एंड 4। आगे आ जाइए, ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कंसिडर द फॉलोइंग मिनरल, इस मिनरल में बात करनी है और जो कि इंडिया में ज़्यादातर ये है। इसका सही ऑप्शन है 2, 3, 4, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन है डी एंड क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन भी है डी। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इसमें विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर, उसके रिगार्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 एंड 3। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। डेजर्ट नेशनल पार्क के रिगार्डिंग कौन सी करेक्ट है, इसका ऑप्शन है सी, 1 एंड 3 ओनली। इट स्प्रेड ओवर द टूजा डेजर्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, इसका आंसर है नॉर्थ ऑफ द नबूरा वैली, ऑप्शन डी। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इनके बारे में आपने बताना है क्या किस स्टेट में क्या हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इसका सही ऑप्शन है 1 एंड 3, ऑप्शन ए। आगे आ जाइए ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स हैं इनके रिगार्डिंग कौन सी सही है वो बतानी है, 2 एंड 3, ऑप्शन बी। इसमें स्टेटमेंट 2 एंड 3 दोनों सही हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से आपने करेक्ट बतानी है। तो इनमें ऑप्शन सी सही है, 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल डेजर्ट हैबिटेट। टाइगर का क्रिटिकल हैबिटेट किसका सबसे ज़्यादा एरिया है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर, श्री सेलमिन। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। करेक्ट इसका ऑप्शन है बी, सच प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी, गुप्त के काल का जो है इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स गंथाला, कुदरा, चौल, इनको क्या कहते हैं, पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, दैट इज ऑप्शन ए। तो 12 का सही ऑप्शन क्या है, ए। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन द बायोफ्यूल की जो पॉलिसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल बनाने में इनमें से कौन से प्लांट हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, तो ये करेक्ट है, इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, तो इसमें करेक्ट आंसर है ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन जियर। इसमें सोशल कॉस्ट के ऊपर सही ऑप्शन यहाँ ए बैठता है।
आगे आ जाइए, विद रेफरेंस टू द पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दालों के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें? तो इसमें जो सही ऑप्शन बैठता है, डेट इज ओनली वन ए। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर। ए हार्ड फ्रोस्ट इज इंजीरियस। इट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो किस क्रॉप की बात हो रही है यहाँ? कॉटन की हो रही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही ऑप्शन है डी, नाइदर वन नॉर टू, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में, विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड इन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शुगर केन की कल्टीवेशन के रिगार्डिंग क्या सही है? इसका सही ऑप्शन है आपके पास सी, 1 and 4 करेक्ट। 20, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर टू द प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में कौन सी अच्छी प्रैक्टिस है? इसमें ऑप्शन डी है, 1, 2, 3, 4, ये चारों ही इको फ्रेंडली है। आगे आ जाइए 21, इनमें सही से आपने मैच करना है, जो हिस्ट्री से रिगार्डिंग है, तो इसमें 1 and 3 करेक्ट है। तो 21 का सही ऑप्शन है बी। 22, इसका सही ऑप्शन है ए, 1 and 2। 23 का सही ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कुवेरी बेसिन। कुवेरी नदी पे कौन सा क्रैश सिचुएटेड है? 1, 3, 4, ये तीनों ही जो रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क हैं, जो कुवेरी नदी के पास लोकेटेड हैं। तो 23 का सही ऑप्शन है सी। आगे आ जाइए 24, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश का ही शो कर रहा हूँ, साथ में आप हिंदी का मैच कर लीजिएगा, आंसर सेम है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। 24 का सही ऑप्शन है ए। तो इनमें से वर्ड्स पूछे गए हैं, बारबेट वर्ड है, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्लू था इसमें। 25, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। 26, इसमें करेक्ट ऑप्शन है 1 and 3, ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है 26 का। 27, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1 and 2। 28 का सही ऑप्शन है आपके पास ए, 1, 2, 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट हैं। तो इस बार यूपीएससी में उन्होंने सिर्फ करेक्ट की बात की थी, ये अच्छा एक पल ये था, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं थी। इनकरेक्ट भी पूछ लेते हैं, फिर करेक्ट बंदा आंसर दे देता, तो ये इस बार थोड़ा अच्छा था इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स जो कोल के रिगार्डिंग है, कोले के रिगार्डिंग कौन सी सही है? तो इसका ऑप्शन डी है, 1, 2, 3, ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। आगे आ जाइए 30, बायोचार का यूज़ क्या है फार्मिंग में? इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3, ये तीनों ही इसके फायदे हैं। आगे आ जाइए 31 का करेक्ट आंसर क्या है इसमें? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2, 3, 6। 32, इसका सही ऑप्शन है 1, 1 and 2, यानी 32 का सही ऑप्शन है ए, 31 का सही ऑप्शन है सी। आगे आ जाइए 33 का सही ऑप्शन है आपके पास डी, ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। 34 का सही ऑप्शन है ओनली 2, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर 34। 35 का सही ऑप्शन है ए, G20 में कौन सी कंट्री हैं? तो इसमें अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड तुर्की। 36 में सही ऑप्शन है बी, 1, 3, 4 ये करेक्ट हैं। उसके बाद आ जाइए 37 में सही ऑप्शन है ए, 1 and 2 करेक्ट। आगे आ जाइए 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है नेक्स्ट, देखिए इसमें 38 का आपने ऑप्शन देख लिया, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। 39 का सही ऑप्शन है डी। 40 का सही ऑप्शन है सी, 1 and 3, दो स्टेटमेंट्स ये सही हैं। उसके बाद आइए 41 में जो करेक्ट ऑप्शन है बी। 42 में जो करेक्ट ऑप्शन है डी, 1, 3, 4, ये तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। 43 में सही ऑप्शन है ए, क्रूड ऑयल। 44 में सही ऑप्शन है डी, 1, 2, 3, तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। 45 AIEA में आपका सही ऑप्शन है बी, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर यूज डोमेस्टिक सप्लाई। उसके बाद आप 46 में सही ऑप्शन है आपका सी,
1 and 3। आगे आ जाइए 47। 47 में सही ऑप्शन है आपका बी। 48, 48 का सही ऑप्शन है आपका बी। 49, 49 क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 2, ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट। 50, 50 में सही ऑप्शन है आपका 1, 3, 4। इसमें स्टेटमेंट जो 2 है ये गलत है, स्टेटमेंट 1, 3, 4 ये तीनों ही सही है, तो 50 का सही आंसर आपका बी। आगे आ जाइए 51, 51 में सही कार्बन की नैनो ट्यूब की बात की है, इसमें सही ऑप्शन आपका ए 1 and 2। 52, 52 में सही ऑप्शन है डी 1, 2, 3, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 53, 53 में किसके बारे में बात की है, ये था ऑप्शन सी लीजा पाथफाइंडर। 54, 54 में सही ऑप्शन है आपका यहाँ पे सी ओनली 2। 55, 55 का सही ऑप्शन है यहाँ बी 1 and 2। आगे आ जाइए 56, 56 का सही आंसर है ए डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। 57, इसका सही ऑप्शन है सी 1 and 3। 58, 58 का सही ऑप्शन है ए 1, 2, 3। 59, 59 का सही ऑप्शन है ए 1 only। 60, 60 का सही ऑप्शन है डी टू लीव इट अनचेंज, डी डी ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 61, 61 का सही ऑप्शन है सी 62, 62 का सही ऑप्शन है यहाँ पे डी। 63, 63 में इंडिगो कल्टीवेशन की बात कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन है बी इट्स अनप्रोफेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। 64, 64 में पूछा गया है यहाँ पे, इसका सही ऑप्शन है डी। 65, इसका सही ऑप्शन है डी बिरसा मुंडास रिवोल्ट इन 1899 to 1919। 66 में सही ऑप्शन है आपका सी ओनली 3। 67, 67 का सही ऑप्शन है डी 68, 67, 68 का सही ऑप्शन है यहाँ पे सी 69, 69 का सही ऑप्शन है सी 1, 3, 4, ये स्टेटमेंट सही है। 70, 70 का सही ऑप्शन है ए 1 only। 71, 71 का सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। 72, 72 का सही ऑप्शन है यहाँ पे बी 2 and 3। 73 का सही ऑप्शन है यहाँ पे ए। 74, 74 का सही ऑप्शन है सी। 75, 75 का ऑप्शन है सी ए बिल ऑफ एक्सचेंज। 76, 76 का सही ऑप्शन है यहाँ पे 1 and 2 ए। 77, इसका सही ऑप्शन है बी 1, 2, 4, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 70 आपका आ गया 78, बेताल विद्यावंशक, ये किसके बारे में, किसने लिखी है, ये अनटचेबल अछूत के बारे में जो लिखा था गोपाल बाबा बलनाकर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 79, इसका ऑप्शन है यहाँ पे ए। 80, 80 का सही ऑप्शन है ए। आ जाइए 81, पॉलिटी के बारे में क्वेश्चंस है, इसका सही ऑप्शन है गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। 82, इसका सही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 83, इसका सही ऑप्शन है 2 B ऑप्शन। 84, इसका सही ऑप्शन है सी। 85, इसका सही ऑप्शन है डी। 86, इसका सही ऑप्शन है सी ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट, परमीएबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। गोल्डन ट्रेंचे, ये क्या है, ए क्रेडिट सिस्टम जनरेटेड बाय MIF टू इट्स मेंबर। 88, 88 का जो सही ऑप्शन है डी 2 and 3 only। 89, इसका सही ऑप्शन है डी नाइदर 1 nor 2। 90, इसका सही ऑप्शन है सी 1 and 3। पार्लियामेंट के बारे में स्टेट्समेंट है। 91, 91 का सही ऑप्शन है ए 1 and 4। 92, राज्यसभा के बारे में क्या पावर है, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सही ऑप्शन है बी। 93, 93 का सही ऑप्शन है ए 1 and 2। 94, 94 का सही ऑप्शन है यहाँ पे सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव का इंजॉइंड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो सही ऑप्शन है यहाँ पे बी। 96, 96 का सही ऑप्शन है डी। 97, इसको कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट
दैट इज डी 98, इसका सही ऑप्शन है ए 1 एंड 2। 99, इसका सही ऑप्शन है यहाँ पे ए 1 एंड 2। 100, इसका सही ऑप्शन है 1 एंड 3 ओनली। तो इसमें करेक्ट मैच कौन से हैं? 1 एंड 3। अल्मा आटा डिक्लेरेशन सही है और तेलेनोवा डायलॉग ये सही है। तो ये था यहाँ पे विद रिगार्ड टू द पेपर 1। तो आई होप आपने ये सारा एंजॉय किया होगा और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। तो दिस वॉज अबाउट सेट सी 2020 प्रीलिमिनरी जनरल स्टडी पेपर 1 सोल्यूशन। और कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा और ऑफिशियल आंसर की तक इसका वेट करिए। तो जब आंसर की ऑफिशियल आएगी तो आप इसका पता चल जाएगा। तो कितने आपके आंसर सही बनते हैं काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो जनरल स्टडी 2 जो सी सेट का पेपर है वो अपलोड किया जाए, तो कमेंट करके बताइए, आपको वो पेपर मिल जाएगा। थैंक यू।